अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कब सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि कश्तियों में, जब आपने कभी अगर किसी ऐसे बारे में सुना होगा कि कश्ती का हादसा हुआ और कश्ती में फ्यूल था जो, तो पानी में ही आग लगी कश्ती को। तो आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि क्या पानी में आग लग सकती है डायरेक्टली, यानी कि पानी के ऊपर अगर हम फ्यूल वो करते हैं तो क्या उस पर आग लग सकती है। तो वही ट्राई करते हैं। उसके लिए मुझे अपने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालना पड़ेगा। तो चलिए पेट्रोल को निकालते हैं इस बोतल में। जनाब, सबसे पहले हम पेट्रोल को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इस तरह से पेट्रोल की जो इसको है, इसको यहाँ पर आकर पेट्रोल को ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा पेट्रोल हमें चाहिए होगा, उसके बाद हम यानी कि इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई थिंक कि इतना पेट्रोल काफ़ी होगा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अभी हम इसको, मैं इसको बंद कर देता हूँ मुकम्मल तौर पर, इसको वापस अपनी जगह पर इंजन के कार्बोरेटर में इसको वो फिट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास पेट्रोल आ चुका है, थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंजूसी की है काफ़ी। तो जनाब, ये मेरे पास थोड़ा सा पेट्रोल है, तो इसको मैं पानी के ऊपर डालता हूँ। पहले इसको चेक करा देता हूँ ताकि आपको वो हो जाए कि इसमें आग तो नहीं जलेगी। जहरी बात है, क्योंकि इसमें पानी है, इसमें आग जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें, नथिंग हैपन्स। अब हम इसको, मैं इस पर पेट्रोल डाल देता हूँ। राइट, तो मैंने इस पर पेट्रोल डाल दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या पेट्रोल में आग लग सकती है या नहीं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से आइंदा भी काफ़ी सारी वीडियो थे इंशाल्लाह मेरे माइंड में, एक्सपेरिमेंट्स टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बटन को दबाना है। अब फिर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम कैमरे में रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया, सेकेंड ट्राई। मैं यहाँ पर इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इस पर माचिस से आग लगा देता हूँ। तो दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि पानी में भी आग लग सकती है, क्योंकि हम नॉर्मली पानी को इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए।
तो यहाँ पर पानी में ही आग लग जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो जनाब इसका रीज़न ये है कि जो फ्यूल है उसकी डेंसिटी जो है वाटर से कम है, पानी से उसकी डेंसिटी कम है। जिस तरह से बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम है तो वो बर्फ़ हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, इसी तरह से जो हम फ्यूल हमने इसमें डाला है वो भी पानी की सतह के ऊपर तैर गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम है। तो फिर उसकी सतह में आग लग गई तो पानी उसको नहीं कर पाया। इसीलिए कहते हैं कि अगर खुदा ना करे अगर पेट्रोल पंप वगैरह या फ्यूल सोर्स में आग लग जाए तो कभी भी पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल आग को मज़ीद वो कर सकता है बजाय उसको रोकने के। तो जनाब आज हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि पानी के ऊपर आग लग जाती है, फ्यूल की आग अगर कभी भी फ्यूल में आग लगी हो तो कभी भी पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, आप उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर इस फ्यूल की ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इसमें आग नहीं लग सकती, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आग नहीं जलेगी। ये सब फ्यूल के लिए आप इसको कर सकते हैं। अगर लकड़ी की आग है या और किसी चीज़ में आग लगी है एक्सेप्ट फ्यूल, तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फ्यूल में आ गए तो आप रेत या कार्बन डाइऑक्साइड या फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें इस तरह से वो होता है जो आग पर वो काबू पा लेता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लगे हाथ तो इस बोतल में हमने फ्यूल वो किया, तो अभी इस बोतल से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मैं इस बोतल के अंदर फ्यूल था, अभी मैं इसके अंदर माचिस की सीरीज डालता हूँ तो आपको वही समझाऊंगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। अब मैं इस बोतल का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा जिसमें हमने अभी भी पेट्रोल इनके यहाँ मोटरसाइकिल से निकाला तो इसमें डाला, तो अभी मैं उसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप देखें इसमें अभी भी पेट्रोल थोड़ा सा बाकी जो कि बोतल को लग चुका है, तो अब मैं इसमें माचिस की तीली डालता हूँ तो देख सकते हैं आप, अभी मैं इसको वो करूँगा तो आग निकलेगी, ये देखिए आग। क्योंकि बोतल में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, थोड़ी सी आग जलती है उसके बाद बोतल के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो जैसे ही मैं उसको इस तरह से दबाता हूँ तो जो ऑक्सीजन फ्यूल के जो पेट्रोल के जो वेपर्स हैं वो ऊपर निकलते हैं, जिसकी वजह से यानी कि यहाँ पर तो अभी आग जली हुई है तो फिर वो आग लग जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। और यह कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।